हेलो हेलो वीडियो देखने वालों, आपका भाई आपके लिए खजाने ढूंढता हुआ पहुंच चुका है आईपी एक्सटेंशन। जी हां, आईपी एक्सटेंशन पड़पड़गंज दिल्ली में। मेरे पीछे आपको ये कार्ड चमकती हुई दिख रही होगी, लाइटें शाइन करती होगी। यहां पे मिलता है शानदार मटन और चिकन, सारी चीजें दिखाएंगे। चलिए मेरे साथ, लेट्स गो। ये सामने देखिए, ये जो चमक रहा है इसके ऊपर लिखा है टेक्नोलॉजी अपार्टमेंट्स। जी हाँ, कैमरा घुमा के दिखाते हैं। बिल्कुल इस अपार्टमेंट्स के सामने ही ये कार्ड लगती है। और ये जिस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, 300 मीटर, जी हाँ 300 मीटर पे मंडावली विनोद नगर का मेट्रो स्टेशन है। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, देखिए बिल्कुल इसी सीधा बाहर स्टेशन से निकल के आना है, 300 मीटर चल के आना है और यहाँ आप पहुँच जाओगे। ये जहाँ इशारा कर रहा हूँ ये है BSES का दफ्तर, बराबर में ये 24 घंटे पार्किंग। जी हाँ, ये 24 घंटे MCD की पार्किंग, बिल्कुल इसके गेट पे ये लगती है कार्ट। बाकी यहाँ का गूगल मैप लोकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, Facebook पे देख रहे हैं तो स्क्रीन पे एड्रेस फ्लैश कर देंगे। अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की है कि आपको बेस्ट टू बेस्ट लोकेशन, जो लैंडमार्क्स हैं इस कार्ट के आसपास के, वो बता दिए जाए। अगर तब भी दिक्कत होती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में YouTube पे आप देख लीजिए, आपको गूगल मैप सीधा उस पर क्लिक करिए, आप यहाँ पहुँच जाएंगे। अजीत भाई हमारे साथ हैं जो इस कार्ड के कर्ता धरता है। अजीत भाई कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए? मैं करीब 1.5 से 2 साल। ये कार्ड को इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले सर और काम करते थे, पर लेकिन उन कामों में कुछ बना नहीं, तो फिर सोचा कि इसी को कर लिया जाए। इसी को कर लिया। फिर 6 से 7 महीने पुरानी दिल्ली में ट्रेनिंग ली। अच्छा, ट्रेनिंग ली, वाह वाह वाह। ट्रेनिंग लेने के बाद में फिर यहाँ पर आके काम स्टार्ट कर दिया। यहाँ काम शुरू किया। और क्या क्या रखा हुआ है आपने? मैंने चिकन कोरमा, मटन कोरमा, चिकन बिरयानी, चिकन लॉलीपॉप, चिकन कबाब, चिकन कुल्फी। चिकन कुल्फी, वाह, नाम थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कोशिश करेंगे ट्राई करने की। और कार्ड के टाइमिंग क्या रहते हैं आपके? शाम 5 बजे से रात के पौने 11 बजे तक। और किसी दिन कोई छुट्टी वगैरह? मंगलवार छुट्टी होती है सर। मंगलवार छुट्टी रखते हो? और देखिए आप, महादेव का भक्त, एक दिन तो भगवान के नाम का छोड़ना पड़ता है। सही बात है। और देखिए मेरे को आपका सेटअप बड़ा सही लग रहा है, देग वगैरह रखी है। और ये दूसरी जो कार्ड्स लगती हैं नॉनवेज से, उससे बिल्कुल है, कोई रीजन है ये आपने देग में ही सर्व कर रहे हैं रखा हुआ? चक्कर क्या है कि सीखा मैंने मुगलाई स्टाइल में, तो मुगलाई खाना मुगलाई तरीके से ही उसको कहते सर्व किया जाए, उसी तरीके से रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। अरे वाह, इनकी बात ने ना मेरे मुंह में पानी ला दिया। और मैंने इनकी ग्रेवी देखी है जो सामने भाई साहब खा रहे हैं, लाजवाब लग रही है। तो देखिए ये इनकी देग में चिकन बिरयानी है। जी हाँ, चिकन बिरयानी, ओ वाह जी वाह। और ये देखिए लाजवाब लग रही है, बिल्कुल देखिए क्लोजअप देखिए। और हमारे लिए एकदम लेग पीस भी निकल के आ गया है, ये देखिए बढ़िया से पका हुआ। और इसकी कीमत, जी हाँ, सिर्फ 60 रुपये। जी हाँ, महंगाई के ज़माने में आपको बिरयानी मिल रही है चिकन वाली 60 रुपये। तो लीजिए ये इनकी कोरमे की आप ग्रेवी देखिए, रूप रंग देखिए, ये चिकन के पीस सजे हुए इसके ऊपर कड़छी में, और रंग रूप देखिए, जैसे भैया ने बोला कि ये मुगलाई स्टाइल बनाते हैं, बिल्कुल शक्ल रूप रंग बिल्कुल मुगलाई है। और पेश है इनका मटन कोरमा। अगर आप रंग रूप देखें तो दोनों की ग्रेवी का रंग रूप बिल्कुल सेम है, हम खा के देखेंगे कि स्वाद में क्या फ़र्क है। तो देखिए यहाँ पर बारबेक्यू भी है। जी हाँ, ये देखिए बारबेक्यू, और ये सीख के ऊपर मक्खन लगा के सिगरी के ऊपर तैयार किया जा रहा है। रूप रंग देखिए कबाब का, बढ़िया लग रहा है एकदम। तो लीजिए ये देखिए, ये लॉलीपॉप है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 250 ग्राम ये लॉलीपॉप है। और इसकी कीमत है 120 रुपये। 120 रुपये में आपको 5 पीस मिल गए हैं। और हमने आपको ये फ्राइड होता हुआ दिखाया, क्रिस्पी एकदम कर दिया गया है, ऊपर बढ़िया से मसाला डाल के चटनी प्याज के साथ सर्व किया गया है। ये ट्राई करते हैं, ऊपर से सुपर क्रिस्पी है, पतली सी लेयर है मैरिनेट जिसमें किया गया है, पतली सी लेयर है, अंदर पीस बहुत सॉफ्ट जूसी है, मसाले
जो मेजर फ्लेवर है, जो ऊपर चाट मसाला डाला गया है, वही इसका टेस्ट एनहांस कर रहा है। शाम की जो स्नैक्स की भूख होती है बढ़िया सी, उसके लिए परफेक्ट है। हल्की सी चटनी लगा के खाते हैं, देखते हैं चटनी के साथ कैसा कॉम्प्लीमेंट करता है। वैसे तो ये बढ़िया है, इसमें टॉप क्लास का चाट मसाला डाला हुआ है, कोई और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हल्का सा टेस्ट एनहांस करना चाहते हो तो ज़रा सी चटनी लगा लो। एक चीज़ समझा देता हूँ, यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा टेबल नहीं है, ऐसी काट के बराबर में ये टेबल्स बने हुए हैं, इस साइड दो साइड, इसी पे आप खड़े होके खा सकते हैं, बाकी गाड़ी लगा के उसमें भी आप सर्व करवा सकते हैं। आइए कैमरा क्लोज लाइए, क्योंकि हमने आपको स्नैक्स तो इनका दिखा दिया। अब देखिए ये मटन कौरमा आ गया है, इसकी कीमत जी हाँ ये क्वान्टिटी देख लीजिए, दो पीस 200 रुपये है, और ये बराबर में देखिए ये चिकन कौरमा है, दो पीस 100 रुपये है, लेकिन अगर आप लेग पीस खाना चाहते हैं उसके 30-40 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ये। और बराबर में ये बिरयानी है इनकी, ये 60 रुपये कीमत है, 250 ग्राम है। तो इनकी जो कोरमे हैं दोनों की ग्रेवी सेम लग रही है मुझे, टेस्ट करके देखते हैं कि कोई फ़र्क है या नहीं है। पहली जी, जैसे ही कोरमा आपकी ज़ुबान पे लगेगा, मैं ये कहता हूँ दिल्ली के जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, नामी गिनामी रेस्टोरेंट है, आप ये खा के देखिए, उससे कंपेयर करके देखिए, मैं ये कहूँगा आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने यहाँ आके अपना समय और पैसा बर्बाद किया। ये बहुत शानदार है, ये किसी भी नामी गिनामी कोरमा वाले को तगड़ी टक्कर दे सकता है। अब ये है चिकन कोरमा, ये देखिए ग्रेवी का टेक्सचर ऑलमोस्ट सेम है, ग्रेवी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। जो फ़र्क डाल रही है वो मटन में ये है कि मटन अपना स्ट्यू छोड़ता है, जिसे कहते हैं अपना जूस छोड़ता है, उससे हल्का से एक फ़र्क आ रहा है फ्लेवर में, बिल्कुल माइनर सा। अगर आप मटन खाना पसंद नहीं करते तो इनका चिकन कोरमा खाइए, और जो तारीफ़ मैंने मटन के लिए की थी वही मैं इनके चिकन कोरमे के लिए करता हूँ, कि जितने भी दिल्ली के नामी गिनामी हैं उनको ये टक्कर देने वाला है। बहुत लाजवाब, बहुत शानदार, मेरी तरफ से A1। कोरमे की मैं तारीफ करूंगा, जो इसमें ग्रेवी में हल्की सी खटास है वो दही की है, दही डाल के ही ये ग्रेवी तैयार की गई है, दही और प्याज और कोरमा में टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया, हल्की सी जो खटास है वो दही की है, A1 बनाती है। आप रुमाली के साथ खाइए, या खमीरी रोटी आपको मिलती है, या प्लेन नान मिलता है, सबके साथ परफेक्ट है। तो इनके यहाँ पर ब्रेड की बात करूँ तो सिर्फ रुमाली है, वो भी रेडीमेड रुमाली, उसके साथ देखते हैं ग्रेवी कैसा कॉम्प्लीमेंट करती है। ओह ये देखिए, मज़ा आ गया। लीजिए अब इनकी बिरयानी, जो इस काउंटर पे मुझे सबसे ज़्यादा पॉपुलर लग रही है, काफ़ी लोग यहाँ पे बिरयानी खा रहे हैं। 60 रुपये, ये देखिए क्वांटिटी आप देख सकते हैं, इस महंगाई के ज़माने में 60 रुपये में आपको ये दी जा रही है। टेस्ट करते हैं, और बिरयानी खाने का मज़ा हाथों से ही है। और ये देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं खा रहा था, ये देखिए इलायची आ गई है,
ये देखिए इलायची निकल आई है, इलायचियाँ वगैरह डाल के बनाई गई है बिरयानी। वैसे तो ये ऐसी स्वाद है, थोड़ा सा और इसको बढ़िया करना है तो इनकी जो पुदीने की चटनी है वो हल्का सा डाल दीजिए। थोड़े और नज़ारे लेने हैं तो जो इनकी कोरमा की ग्रेवी है वो डलवा के खाइए, नज़ारेदार। मुगलई टेस्ट वो भी फुटपाथ के ऊपर दिल्ली में कहाँ मिल रहा है, सारी डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप यहाँ आइए, खाइए, नज़ारे आ जाएंगे। मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है।